कम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 10:15। भूख लग गया है क्योंकि क्लास लेकर आई थी, भूख लग गया तो लोबिया सुबह ही चालू हो गया। बस फटाफट लोबिया खाती हूँ मैं, तो उसके बाद सीधे रेडी ब्रेक रेडी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट। और फिर आज ना कुछ कस्टमर्स बाहर से आ रहे हैं, बाहर से इन द सेंस जिनके मतलब जिनके ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट करे थे मैंने, तो वो कह रहे नहीं हम कुरियर से नहीं, क्योंकि कुरियर से हमारा पार्सल डैमेज होने के चांसेस है, तो हम लोग खुद ही लेने आ रहे हैं। तो एक बरेली से आ रहा है, एक मुरादाबाद से, दो को एक साथ अटेंड करूंगी मैं आज। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मतलब बाहर से लोग यहाँ पार्सल्स लेने के लिए आ रहे हैं स्पेशली। तो थोड़ा सा प्रेशर भी है, प्रेशर तो नहीं मतलब नर्वसनेस है थोड़ी सी, किस तरीके से फर्स्ट टाइम। फिलहाल तो हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन बुकिंग कराने के लिए। टिकट्स हम निकलते हैं, अभी हम लोग नहाए भी नहीं है, बस मैंने अभी क्लास लगाई थी, क्लास लगाने के बाद मैं जो हूँ अभी बस रेडी कर रही थी सब कुछ, तभी थी मैं बोले चलो जो टिकट बुक कराने चलते हैं। तो अभी हम लोग स्टेशन आए, कल बज रहे हैं 12:15 और हम लोग ना आज बहुत लेट ना आए हैं। रीज़न ये था कि मम्मी की जैसे आपने देखा कि हाँ भाई अभी हम लोग स्टेशन वगैरह गए थे वहाँ से। तो गाइस अभी फिलहाल तो जो है बस रूम क्लीन करा, अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे देखो रह गया है, जगह 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 सामान रह गया। एक्चुअली सीन ये है बुलन भी निकल रहा है सारा, और फिर दूसरी चीज़ पूरा मतलब ये है ना कि आपका रोज़ जब कहीं आना जाना रहता है ना वो सब भी फैलता रहता है, तो इतना सादा फैलावा हो गया है गोलू के बर्थडे से लेके अब तक, आज 18 हो गई है, 18 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी सफाई मेरी हो ही नहीं पा रही, इतना काम फैला है समझ नहीं आ रहा। मैं तो मतलब बैक में इतना पेन रहने लगा है क्योंकि 24 घंटे सुबह से ना शाम तक मतलब 1 बजे तक जगती हूँ मैं, 1 बजे तक कुछ ना कुछ लगातार रहता है मेरा, मतलब एक पल बैठना भी नहीं मिलता, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा रायता फैला लिया है। तो अभी फ़िलहाल 1:30 बज रहा है, आज तो वैसे भी बहुत लेट हो गए थे क्योंकि बुकिंग्स वगैरह कराने गए थे हम लोग, रिजर्वेशंस करवाने थे तो उसमें भी लेट हो गया, फिर आके सब कुछ बुकिंग करी फ़ोन पर तो उसमें भी लेट हो गया, एंड अब 12 बजे के आसपास तो नहाई, फिर उसके बाद काम लेट होते ही चला गया। अब 1:30 बज रहे हैं, अब सोच रही हूँ किचन में जाऊँ क्योंकि 2 बजे गोलू आ जाता है, 2:15 तक आता है, 1:30 बजे के बाद ना पापा कभी भी आ जाते हैं, तो मैं रोटी वगैरह सेकूँगी, फिर शायद 10-15 मिनट में थोड़ी देर लेट हूँगी क्योंकि बैच लगाना होता है पूरा बच्चों का, तो उसके लिए पूरा एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अभी यही करती हूँ, किचन में चलती हूँ मैं। कल तो गोलू स्कूल से आ चुके हैं, गुड़िया आज पेंसिल बॉक्स रह गया था, मैं बच्चा लाओ बैग दो, क्या फिर चलो चलो बेटा। लाल लंच कर चुकी हूँ, गोलू ने लंच नहीं करा है, ये देखो ये पड़ा हुआ है सामने, बोला है सर में दर्द है, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इसको ना सुला दूँ 1-2 घंटे, क्योंकि 5 बजे से जैसे लंच करोगे नहीं तुम, फ्रूट्स खाओगे, दे दो लंच दे दो आप, फाइनली लंच के लिए भाई साहब एग्री हुए। लो बेटा चलो लो आओ यहीं पे खा ले, यहीं खा ले, चलो बेड पे खाते नहीं बेटा बैठ के, वैसे कहते हैं ज्यादा बेड पे बैठ के खाने से ना बीमारियां आती हैं। नहीं अभी फिलहाल बज रहे हैं 8:30 एंड अभी मैं जो हूँ कर रही हूँ डिनर, डिनर में है आज आलू टमाटर मटर। तो गाइस बच्चे आ गए हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था मैंने 3 बजे बुलाया तुम लोगों का, मैं लेट गई थी, गेट खोल रही बेटा, बाकी का है रहे 4 एंड
बस ये है, वही शाम का टाइम है तो वही स्नैक्स एंड हाई टी, लेकिन यहाँ पे हाई मिल्क चलाती हूँ मैं। कॉफ़ी थोड़ा सा अवॉइड भी कर लेती हूँ कभी कभी, ये लगता है कि बीपी भागता है उससे, वैसे मेरा नहीं भागता लेकिन मैं थोड़ी सी ना पगलैट टाइप की हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। तो अभी बस ये है, हाई मिल्क का टाइम है अभी, तो बस ये सब लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है बैच लगाने के बाद, तो एक मार्केट जाना है, मार्केट जाके थोड़ा सा कुछ है पेंडिंग वर्क वो भी निपटाना है, एंड देन फिर आकर गोलू को पढ़ाता है। टमाटर, सूखी मटर एंड रोटी, सूखी रोटी। मैं बस डिनर कर लूँ उसके बाद थोड़ा सा, ये देखो इधर ये क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ निकल चुके हैं, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये जो कॉटन के हैं, कॉटन के ब्लैंकेट्स मतलब क्विल्ट्स जो हैं ये सब रख दूंगी कॉटन वाले। और अब वुलन निकल गया है, आज वुलन का भी काफ़ी काम करा था, लेकिन सब बाहर जितने भी ट्रंक है ना वो सभी बाहर ही पड़े हुए हैं। क्यों इसलिए पड़े हुए हैं? क्योंकि ना जगह ही नहीं अलमारियों में, जगह है मेरे पास अलमारियों की। अरे खाली पड़ी है ना, और जैकेट कितनी है वो लो, नया वाला ले लो। मैंने रात ना रात मिंत्रा पे सेल आई थी, तो एक बहुत अच्छी जैकेट थी मेटालिक टाइप में, मेटालिक में रेड नहीं था मेरे पास, तो मैंने रेड हमारे सुबह ही उठकर चिन चिन करना स्टार्ट कर दिया। रोज की एक जैकेट पहनेंगे तो भी जैकेट्स खत्म नहीं होंगी, तो ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, करके दिखाओ ऑर्डर कैंसिल, नहीं होगा ऑर्डर कैंसिल। तो गाइस अभी फिलहाल मैं डिनर एंजॉय करती हूँ। अभी तो हम लोग खा रहे हैं डोसा, हमने ऑलरेडी डिनर कर लिया है, अब हम लोग खाएंगे डोसा। मामा आप नहीं खाओगे? आप नहीं खाओगे? टेस्टी लग रहे होंगे, एक बार खा लो। बहुत टेस्टी है। चलो एक खाते हैं। क्रिस्पी ना सभी तक नहीं गई है। गाइस डिनर तो खा चुके थे लेकिन ना डोसा खाया। मम्मी ना मुरादाबाद गई थी तो वो बोली वहां से फोन आता है कि डोसा बहुत टेस्टी है, डोसा ले आऊं, तो डोसे मंगा लिए सबने। और डिनर के बाद ये होती है हम लोगों की ओवर ईटिंग, डिनर के बाद डोसा खा ली है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।